कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं. अब जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है, इसी तरीके से हमारे जो योनि की टिश्यूज़ होती हैं एज के साथ थोड़ी लूज़ हो जाती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए या जो 40-45 की एज में बहुत सारे मेल्स और फीमेल्स ये फील करते हैं कि जो उनकी फ़िज़िकल लाइफ है वो पहले के मुकाबले काफ़ी डल हो गई है, उन लोग को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक गायनोकोलॉजी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गई है अमेरिका और यूरोप में. अब धीरे धीरे इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है. तो यहाँ की बात करें किस तरह का है, कितनी डिमांड्स हैं? हाँ, डिमांड्स देखिए, डिमांड्स तो हैं, पर चूँकि डॉक्टर्स ही अवेयर नहीं हैं इसलिए वो पेशेंट्स भी हेजिटेट करते हैं डॉक्टर से इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने में. मैं आई एम वेरी श्योर कि अब जैसे जैसे डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम को पब्लिक तक एडवर्टाइज़ करेंगे, मार्केट करेंगे, पेशेंट्स धीरे धीरे बाहर आएंगे अपनी इस प्रॉब्लम को डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए. 40s-50s की एज में मिड टर्म ब्लूज कहते हैं जिसको हम, कि एज के साथ साथ बच्चे बाहर चले आते हैं पढ़ने, हस्बैंड वाइफ अकेले हो जाते हैं, तो उन लोग को एक दूसरे के कंपनी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है. और उसी तरीके से अपनी फिज़िकल लाइफ को भी अच्छे से मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ दोनों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरीज के बाद थोड़ा फीमेल्स की जो वजाइना होती है लूज़ हो जाती है, उसको स्ट्रेंथन करने से एंजॉयमेंट वापस ली जा सकती है.